गुड आफ्टरनून बच्चों, आज आप लोग को दिखाएंगे हम कि हाथ में छेद, तो हाथ में छेद हो जाएगा तो दर्द होगा ना। एक एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं। अभी देखिए, एक कागज का हम ऐसा रोल बना लिए हैं, ठीक है। ये होल है, इस तरफ से उस तरफ दिखाई दे रहा है, इसे समझ गए। और करना क्या है इसको, आप लोग को देखिए, एक आंख में इसको लगाना है ऐसे ऐसे, और हाथ को ऐसे रखना है। यहाँ पे लगेगा कि हाथ में हमारा छेद हो गया, छिद्र हो गया, आर पार दिख रहा है हमारा हाथ, तो लग रहा है कि कट गया, ठीक है। अभी दिखाते हैं कौन कौन करना चाहेगा। चलो ठीक है, दिखाते हैं। सबसे पहले किसी को दिखाते हैं हम। चलो लो रूपा, खड़ा हो जाओ। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आओ, सीधा रहो। लो इसको पकड़ो, एक आंख में लगाओ इसको पहले, ठीक। अब एक हाथ को कैसा लग रहा है बताओ, कैसा लग रहा है? लग रहा है कि हाथ में छेद हो गया। और कोई देखेगा? आ जाओ, प्रशांत भी देख रहा है। कैसा लग रहा है प्रशांत? कैसा कि हाथ में छेद है ना? कितना कटा हुआ लग रहा था? बोला उतना कटा हुआ है। और ऐसे तो ठीक है हाथ हमारा। और कौन देखेगा? आ जाओ इधर आओ, आओ दिखाते हैं तुमको। चलो इसको यहाँ पे लगाना है, पकड़ो इसको एक हाथ से। जीत, कैसा लग रहा है? कैसा कटा हुआ, कौन सा हाथ कटा हुआ लग रहा था? कितना दूर ऐसे लग रहा था ना कि हाथ कटा हुआ, देख रहे तो ठीक है हमारा हाथ। और कोई आओ, सोनी आ रही है। लो सोनी, देखो तो तुम नहीं देखी हो एक भी बार। लो इसको एक आंख में लगाओ। चलो हाथ को यहां रखना, सीधा ऐसे ऐसे ऐसे। कैसा लग रहा है? कहां से कैसा कटा हुआ लग रहा था? लग रहा है ना। अब चलिए इसके बारे में हम समझते हैं, ऐसा क्यों लग रहा था। ये छिद्र से हम देख रहे हैं और एक हाथ को यहां रख दिए हैं, तो हमारे दिमाग को मैसेज किया जा रहा है कि हम किसी छिद्र में देख रहे हैं। हमारा आंख जो है हमारे दिमाग को एक मैसेज भेज रहा है कि हम किसी छेद में देख रहे हैं। हाथ रख भी रहे हैं तो दिमाग को तो पहले ही बोल दिया है, ये आंख हमारा सूचना दे दिया है कि हम किसी छेद में देख रहे हैं। तो हम अपना हाथ को भी रख रहे हैं तो वो क्या समझ रहा है, हाथ में भी छेद है, वैसा ही लग रहा है। लग रहा है ना? और कौन नहीं देखा? और कोई देखो बना के, अगर कोई देख रहा है तो देखो। और कौन कौन देख रहा है? कैसा लगा? लगा हाथ में छेद? तो सबको दिख रहा है। कैसा लग रहा है? हाथ में छेद लग रहा है? लग रहा है कृष्णा, हाथ कटा कैसा लग रहा है? कहां से कटा हुआ लग रहा है? यहां से लग रहा है, कटा हुआ ना। तुम बताओ कैसा लग रहा था? वहां से हाथ कटा हुआ। और कौन देखा बताओ, कैसा लग रहा था? अंजलि, हाथ कटा हुआ है, लेकिन हाथ तो हमारा, जब हम लोग देख रहे हैं तो हाथ तो हमारा ठीक है ना। कैसा लगा पंकज? कटा हुआ लग रहा है। तो इससे हम क्या समझे कि हमारा आंख जो मैसेज दिमाग को दे रहा है कि हम किसी छिद्र में देख रहे हैं, लेकिन जब कागज से देख रहे हैं तो हाथ में छेद है, और ऐसे देख रहे हैं निकाल के तो ठीक है। तो देख लिया ना हाथ में छेद, अच्छा लगा सबको। अब हम लोग के साथ में नीरज सर आए हैं, इनके हाथ में छेद कर दें। कर दे सर। अच्छा ठीक है, छेद नहीं, छेद हो जाएगा, इसमें काट देंगे तो दर्द करेगा ना, खून भी बहने लग सकता है। चलिए अच्छा इनको एक्सपेरिमेंट से दिखलाते हैं कैसा लग रहा है। ये लीजिए इसको, देखिए आपको करना क्या है, इसको पकड़ना है, इसमें आर पार दिख रहा है क्या आपको? हाँ, दिख रहा है। यहाँ लगाना है एक आंख में, ठीक है। यहाँ खुला रहना चाहिए, दिखना चाहिए इधर से, ठीक है। और एक हाथ को यहाँ बगल में ऐसे रखना है। लीजिए पहले इसको यहाँ लगाइए आप, यहाँ नहीं, यहाँ लगाइए, यहाँ दिख रहा है, उस आंख से दिख रहा है? नहीं, देखिए उसको देखना है, बंद नहीं करना है, दिख रहा है ना जी। इसको यहाँ रखिए, गौर से देखिए कैसा लग रहा है। छेदा लग रहा है हाथ में, कैसा लग रहा था? लग रहा है आर पार है।
हाथ छेद हो रहा है। हाथ में छेद है जी। यहाँ रखना, बगल में रखना, बगल में, बगल में, बस इतना ही रखना। कैसा लग रहा है? चलिए इधर लाइए। कैसा लगा? हाथ में लग रहा कि आर पार दिख रहा था। दिख रहा था ना, तो ऐसा क्यों हो रहा था? देखिए ऐसा क्यों होता है, पहले बात को समझिए। हमारा दिमाग जो, हमारी आंख जो है वो पहले सूचना किसको देता है? हमारे मस्तिष्क को, दिमाग को, कि हम एक छेद से देख रहे हैं। और ये उसी को समझ लिया, हम छेद से देख रहे हैं, हाथ बगल में रख दिए तो लग रहा है कि हाथ में भी छेद हो गया। तो जो भी हम काम करते सबसे पहले सूचना कहां पहुंचती है? ब्रेन में, मस्तिष्क में, वही सारा बात को बताता। तो जैसा सूचना पहुंचेगा वही बताएगा। तो देखने से लग रहा है ऐसे रख रहे हैं तो लग रहा है कि हाथ में ही छेद है, बगल में रखे हैं। तो अच्छा लगा ना? ये जादू नहीं है, ये विज्ञान है। क्या है? विज्ञान। जादू नहीं है। अच्छा लगा सर? बहुत सुंदर। चलिए जोरदार ताली एक बार सर के लिए भी।